सेक्टर 40 चंडीगढ़ आरडब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने नवयुक्त 39 थाना के एसएचओ का स्वागत किया। अशोक कुमार जी लंबे समय से चंडीगढ़ में अच्छी सेवाएं देते आ रहे हैं और काफी समय क्राइम ब्रांच के इंचार्ज भी रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े क्राइम केस को सॉल्व किया है। अब देखना यह है कि जैसे कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं तो स्पेशली उन्हें 39 का थाना अलॉट किया गया है ताकि कानून व्यवस्था ठीक रह सके। इस मौके पर मौजूद रहे आरडब्ल्यूए की तरफ से कुलवीर सोडी जी जो कि सोशल वर्कर है और आरएस के साथ भी जुड़े हुए हैं, संजीव ग्रोवर जी सेक्टर 38 आरडब्ल्यू से, रेखा सूद जी सेक्टर 40 से, रवि रावत जी जो के बीजेपी के जिला महामंत्री भी हैं, और श्री बीपी अरोड़ा जी जो चंडीगढ़ हिंदू महापरिषद के प्रेसिडेंट हैं। सेक्टर 39 से अमित गंभीर और दिनेश शर्मा की रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज 24। लाइव इंडिया न्यूज 24 देख रहे दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस समय जो सेक्टर 39 मिनिस्ट्रेशन से बैठे हैं क्योंकि इतने नवे सचिव ने ज्वाइन किया है जो कि क्राइम ब्रांच बहुत समय तो रहे चंडीगढ़ से, सारे जानते हैं अशोक कुमार जी, इन्होंने क्राइम ब्रांच छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस क्रैक किए हैं। उन देखने लगा एक एक्सपीरियंस क्राइम ब्रांच 39 थाने से काम आता है क्योंकि इतने पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, क्रिमिनल थोड़ा घट होती है। अगली उदाहरण अशोक कुमार जी सर, थाना थोड़ा स्वागत है। थैंक यू जी। सर जो क्राइम ब्रांच तो आए थानू की लगता है एक्सपीरियंस इतने कम आएगा? थोड़ा डेफिनेटली कम आएगा, काम तो आएगा ही डेफिनेटली, क्योंकि जो क्रिमिनल्स एरिया के अंदर होते हैं उनके बारे में जिनके बारे में ऑलरेडी पता है उनको शंट आउट करेंगे हम यहाँ से एरिया में और पीस मेंटेन करेंगे यहाँ पे। सर जिस तरह की पोस्टिंग दी गई है इलेक्शन में हम सीएस रहते हैं, तो हमें भी लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी का काम है स्मूथ हैंडल कर सकते हैं। जिम्मेवारी का तो काम है ही लेकिन हम उसको स्मूथली हैंडल करेंगे, जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है और क्रिमिनल्स करेंगे तो काम स्मूथ चलेगा। सर जिस तरह की सुना जाता है कि 39 हज़ार पुलिस स्टेशन के बीच में प्रैक्टिकल प्रेशर रहता है कि सामने सरकार और उसका ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसके लिए तुम कितना देख रहे हो? वो तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, अगर हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी। सर जिस तरह 40 की मार्केट है, कुछ मीट शॉप्स होते हैं, कारा होती है, उसे कुछ वाइन चल रही है, सर्व करने वाले पार्किंग खड़े होते हैं, उन्होंने ये संदेश देना चाहते हो? उनको जो वॉल्यूशन कर रहे हैं उनको अंदर देंगे, गाड़बंदी के जो ओपन ब्रिंकिंग कर रहे हैं उनके काम पर से दर्ज करेंगे, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ सर की लग रही है तो वील क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज टू करती है आगे से ये चीज़ नहीं होगी। सर एजुकेशन जो कितना देते हो कि क्राइम ब्रांच जो इतने शिफ्ट करते हैं तो किस तरह फील कर रहे हो? फीलिंग गुड, अगर अफसरा ने जिम्मेवारी देती है कुछ सोच समझ के जिम्मेवारी देती है तो जिम्मेवारी तो निभाएंगे। सर हम तुझे अगर इस एरिया को किस तरह देखते हो, मतलब कि मैं राइटली चल रहा है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पाएंगे या नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा जैसे 40 बंद है 37 बंद है उसे नाइट पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं जा सकते बार बड़ी बार देखे? मैंने धमाके आने के बाद चेक किया था तो नाइट पेट्रोलिंग मैंने स्टार्ट करवा रखी और पॉइंटेड एरियाज हैं जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं उन पर जो है लगातार काम कर रहे हैं हमारी पुलिस, तो धीरे धीरे चेंजेस मिलेंगे आपको पता लगेंगे। सर इन सेक्टर से मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि ड्रग्स के बंदे बहुत हैं, मतलब नक्सल ड्रग्स करते हैं, चोरियाँ करते हैं, थोड़े कारण बहुत तरह के क्राइम ब्रांच है, तो अभी क्या है थोड़े आम लाइन पहले जो करते रहे थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो क्रिमिनल्स हैं जिनको पता है कि अभी जैसे यहाँ पे आया उसको भी पता लगा कि उस क्रिमिनल्स को लगा कि क्राइम ब्रांच से आए वो ऑटोमेटिकली दे शिफ्टेड एरियाज और आने वाले टाइम में और शिफ्ट कर सकते बड़े किसी को नशा खत्म करने के लिए हम पता लगा। लोकल पब्लिक किसी भी टाइम आपको मिल सकती है, सुबह से लेकर रात में ही होता। और सर जैसे इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी का काम है, क्राइम ब्रांच से हम यहाँ पे हैं, आपको क्या लगता है कि आप इसमें कैसे डिवाइड करेंगे सारे सेक्टर्स को? वो अभी जैसे ही हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर से जो डायरेक्शन आएंगी उसको फॉलो करके चलेंगे, ये सारे जितनी पार्टी हैं दे आर ऑल इक्वल टू अस, इसमें कोई ये नहीं कि कुछ पार्टी स्पेशल होगी कुछ और होगा, तो प्रेफरेंस किसी को नहीं दी जाएगी लेकिन जो डायरेक्शंस वहाँ से ऊपर से आएंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। सर आपको लगता है कि आपके आते इलेक्शन आगे लेकिन बहुत जिम्मेदारी काम आ गया आए साथ इलेक्शन क्लियर हो गए हम सी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटीज भी करते आ रहे हैं, तकरीबन हर साल जितने भी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा से लेकर एल सी तक सभी इलेक्शन में मैंने ड्यूटियाँ दी। यानी आपको अनुभव पहले ऐसा क्राइम बच्चे सदा दूसरा पब्लिक का पब्लिक डेलिंग कर ये थे हमारे साथ अशोक कुमार सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन के नए इंचार्ज। अब आपके बात कुलवीर सोडी जी से कराते हैं जाकर सोशल वर्कर है सोडी जी। कुलवीर जी आपको 39 नए सेक्टर सर का स्वागत करने के लिए
तब आप उनका यहाँ पे आना किस तरह देते हैं? जैसे क्राइम ब्रांच आपको पता है क्रिमिनल्स में उनका खौफ भी है, तो कैसे देते हैं हम सेक्टर्स को? मुझे लगता है कि हमारा सेक्टर 40 जो है वो सारे मोहाली से लगता है और सारी साइड से ऊपर है। इनका जो क्राइम ब्रांच का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सेक्टर निवासियों के काम आएगा और सेक्टर लोग को हमें समझता हूँ काफ़ी महफूज अपने आप को सेव करेंगे डैम नाइन में। तो सर जैसे कि अभी इलेक्शन हुई है सब कुछ आपके सेल में है, आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंट ने शायद नहीं यहाँ पे अनुन भेजा है क्राइम ब्रांच से अच्छे ऑफिसर ऐसे भेजे या वैसे रूटीन ट्रांसफर भेजा है? हो सकता है शायद को रूटीन ट्रांसफर भेजा और उनको पता है कि ये एरिया बड़ा सेंसिटिव बड़ा जबरदस्त एरिया क्योंकि यहाँ मोहाली से लगता है पंजाब लगता है पूरा एरिया ओपन है और इस एरिया को रोकने के लिए उन्होंने स्पेशल उनके इनके डीजीपी साहब ने सोचा होगा तो इस एरिया को सेव करने के लिए यहाँ ड्यूटी कराई। धन्यवाद। 24 चंडीगढ़।